वीकेंड लौट के बुद्धू घर को आए तो वही हुआ आज भी हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेंसडे, ऑलमोस्ट 5 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। लास्ट ब्लॉग आई थिंक मैंने अपना सैटरडे को बनाया था, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरे ये 5 दिन बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक गए हैं। आप सबको पता ही होगा, जब आप लोग मूव करते हो, शिफ्ट करते हो, तो कितने काम होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वाइंड अप करनी होती हैं। बट आज मैंने फाइनली सोचा कि मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचे हैं इस घर में। एंड यू नो, जब मैं ये वाले व्लॉग्स बाद में देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा देखने में कि मैंने किस तरीके से अपने पूरे घर को वाइंड अप किया था, किस तरीके से अपनी पूरी गृहस्थी में समेट के यू नो शिकागो चले गए थे हम लोग। आई डोंट नो कि मैं ये व्लॉग कब पुट अप करूंगी चैनल पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे एडिटिंग का टाइम कब मिलेगा। बट डेफिनेटली अगर रिकॉर्ड कर लूंगी तो वो जाएगा ही जाएगा चैनल पे। बहुत सारे अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फर्स्ट अपडेट ये है कि हमने अपनी कार सेल आउट कर दी है। अंशुल को एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है अपने, तो उनके डिपार्टमेंट में ही एक लड़का था जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कार की, तो हमने उसको सेल कर दी है अपनी कार। और जब हमने कार ली थी तब भी हमने किसी स्टूडेंट से ही ली थी, सो यू नो वो हमारी कार मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के पास ही रही है, लो मेंटेनेंस पे रही है। सो अभी भी वो एक किसी स्टूडेंट के पास चली गई है। और लास्ट 2 दिनों में मेरे साथ 2 ट्रेजेडीज हुई। अभी तक मुझे अपना ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं मिल पाया है। मंडे को जब मैं गई MBD अपना लाइसेंस के लिए, रोड टेस्ट के लिए, तो क्या हुआ कि मैं अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना भूल गई, सो वी हैड टू कम बैक। और मेरा अपॉइंटमेंट था 2:30 का उस दिन, तो उसके बाद का कोई अपॉइंटमेंट मुझे मिल नहीं पाया, सो उस दिन हमारा लाइसेंस नहीं बन पाया। फिर ट्यूसडे को जब मैं कल गई तो ऑल ऑफ अ सडन हमारी कार बिल्कुल सही सलामत थी, सब चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। जब हम वहाँ MBD पहुँच गए, हमने पार्किंग लॉट में कार लगाई, तब एकदम से जब मैं स्टार्ट करने लगी कार स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर पता चला कि हमारे कार की बैटरी चली गई है, क्योंकि हमने आई थिंक जब हमने कार ली थी ऑलमोस्ट 3 साल पहले, तभी हमने बैटरी रिप्लेस कराई थी। और बैटरी फिर यहाँ के वेदर में 2.5 से 3 साल चलती है, तो बैटरी हमारी एकदम से चली गई। और फिर बैटरी चली गई तो फिर से हमको वहाँ से कार टो करा के ऑटो जोन हम लोग गए और बैटरी रिप्लेस कराई। और फिर हमने डिसाइड कर लिया कि शायद अब इस कार से हमारा हो चुका, तो हमने देयर एंड देन अपनी कार जो है वो स्टूडेंट के नाम करके एंड वो सब रजिस्ट्रेशन जो सब होता है वो सब करके कार उसको दे दी। एंड अभी हम लोगों ने कल रेंटल कार ली है 1 दिन के लिए, तो आज उस रेंटल कार पे मैं अपना रोड टेस्ट देने जाने वाली हूँ। सो प्लीज़ विश मी लक। वैसे मैंने काफ़ी उस एरिया में ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो होपफुली हो जाना चाहिए अंटिल एंड अनलेस कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो बस फिर अपॉइंटमेंट के लिए जाऊंगी। और वैसे आप लोगों को इस ब्लॉग में ही पता चल जाएगा कि मुझे फाइनली ड्राइवर्स लाइसेंस मिला या नहीं मिला, बट अभी मैं बहुत घबरा रही हूँ क्योंकि टेस्ट के नाम से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। बेबी आपने क्या बनाया है? ये पेपर का चॉक। नहीं, आपने ये क्या बनाया है इतना बड़ा? टाइटी छोटी काला काला टप रिकॉर्डिंग करी थी मम्मा। क्या बनाया आपने? मम्मा तो रिकॉर्ड कर रही है आपको। आप ये बताओ आपने ये बनाया क्या है? पार्किंग लॉट छोटा। पार्किंग लॉट बनाया? पुलिस का भी ये गले। अच्छा, हु टॉट यू दिस? हु टॉट यू? डैडी। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका दिमाग बहुत इमेजिनेटिव होता है। हर बार आपको कोई एजुकेशनल टॉयज की जरूरत नहीं होती उन्हें कुछ सिखाने के लिए। एज सिंपल एज स्मॉल कार्स, एज सिंपल एज स्केच पेंस कैन टीच देम नंबर्स, कलर्स एंड व्हाट नॉट। मैंने इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से अनिरुद्ध को काउंटिंग, कलर्स वगैरह सिखाए हैं, और वो इतना ज्यादा इमेजिनेटिव है। उसके पास ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स वाली ट्रेन है, एंड उस ब्लॉक से वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाता है। और वो बोलता है मम्मा टॉल बिल्डिंग बनाई है, मम्मा इस तरीके का स्विंग बनाया है, उस तरीके का बनाया है। मतलब उसकी इमेजिनेशन देख के मुझे लगता है कि मैं तो शायद ही कभी ऐसा इमेजिन नहीं कर पाती अपने हेड में। सो बच्चे, हर बच्चा बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट होता है मुझसे। Thank you.
लोग निकल चुके हैं एमबीडी जाने के लिए और बस आज होपफुली ड्राइवर लाइसेंस मिल जाए क्योंकि हम दो दिन से लगातार जा रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रहा, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है. सो आई एम विशिंग कि आज सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा टेस्ट ठीक तरीके से निकल जाए और मुझे लाइसेंस मिल जाए. अभी हम लोग एंटरप्राइज आए हैं. मैंने आपको बताया था ना, हम लोगों ने कार रेंट पे ली है फॉर अ डे. सो उन लोगों ने हमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ही मेल नहीं किए तो बहुत टेंशन हो गई. अभी एकदम से हमने रास्ते में मेल चेक किया और मेल उनका आया ही नहीं था. तो हम फटाफट से अभी एंटरप्राइज आए हैं और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके फिर जाएंगे एमवीडी. फ्रेंड्स, मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस आज भी नहीं बन पाया. मैंने आपको बताया था ना कि हम रेंटल कार लेकर गए थे फॉर द रोड टेस्ट, एंड स्पेसिफिकली हमने कल वहाँ पर बोला था कि हमें रोड टेस्ट के लिए कार चाहिए. लाइक अंशुल ने बोला था, जो रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, कि मैं कार रेंट इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी स्पाउस रोड टेस्ट के लिए जाने वाली है कल. तो उसने बोला कि अब जो रेंटल एग्रीमेंट उसने बनाया वो अंशुल के नाम पे बनाया था, एंड उसने बोला कि योर स्पाउस इज ऑटोमेटिकली एडेड, शी इज़ अलाउड टू ड्राइव. एंड उसने मेरा नाम वहाँ पर नहीं डाला जबकि हमने स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया था. एंड उन्होंने हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है कार का, रेंटल अग्रीमेंट होता है, वो मेल भी नहीं किया जबकि उन्होंने बोला था कि वो मेल कर देंगे. तो जैसे कि आपको पता है, हम ऑन द वे पहले एंटरप्राइज गए थे, उसके बाद फिर हम एमवीडी गए रोड टेस्ट के लिए. तो जैसे ही मेरा लाइन में नंबर आया, उन्होंने सबसे पहले वो वही देखते हैं रजिस्ट्रेशन, तो मैंने उन्हें अपना रेंटल अग्रीमेंट दिखाया. तो उन्होंने देखा कि मेरा नाम वहाँ पर है ही नहीं, एंड ही वॉज द पर्सन इन एमवीडी वॉज लाइक, तुम्हारा नाम तो यहाँ पर है ही नहीं. मैंने बोला कि हमने रेंटल कार ली है फॉर द रोड टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो उन्होंने हमें बोला है कि स्पाउस इज ऑटोमेटिकली एडेड, शी इज़ अलाउड टू ड्राइव द कार. बट देन ही सेड कि नहीं, हमें रोड टेस्ट के लिए तुम्हारा नाम भी चाहिए इस डॉक्यूमेंट में. एंड वहीं पे मैं एकदम शैटर हो गई. मैंने कहा यार, 3 days इन अ रो मैं यहाँ पर आई एंड तब भी मेरा काम नहीं बना. फिर हम लोग दोबारा से एंटरप्राइज गए एक और दिन के लिए, अब कार यू नो एक्सटेंड कराई है. तो अब कल मैंने अपॉइंटमेंट फिर से लिया है 11 बजे का. तो फाइनली मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी कि मुझ बुद्धू को किसी ने ड्राइवर्स लाइसेंस दिया भी या नहीं. वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही हुआ आज भी हमारे साथ. तो आज मैं जो शाम का टाइम है प्रोडक्टिवली यूज़ करूँगी, सारी पैकिंग अपनी ख़त्म करूँगी और हो सकेगा तो टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह वो सब फिनिश कर दूँगी. सो फ्रेंड्स, अब हमारा डिनर हो चुका है और अभी 9 o'clock ही हुए हैं. बट आई रियली वॉन्ट टू एंड दिस व्लॉग हेयर इट सेल्फ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ एंड मेरे पूरे घर में अब येलो लाइट्स लग चुकी हैं. तो मुझे नहीं पता कि अब वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज येलो लाइट्स. मुझे घर में व्हाइट लाइट जैसे हमारे इंडिया में होती है वैसी पसंद है, इसीलिए मैंने व्हाइट लाइट्स पूरे अपने घर में लगाई हुई थी. बट अब वो पैक हो चुकी हैं तो अब जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे नहीं पता है कि अच्छी आ भी रही है या नहीं. सो मैंने सोचा कि अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. प्लस मुझे अभी काफ़ी पैकिंग करनी है, बहुत सारी पैकिंग बाकी है. टॉयलेट क्लीनिंग हो चुकी है, काफ़ी कुछ पैक कर लिया है हम दोनों ने मिलके, बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी पैक्ड. सो अभी मैं वही करूँगी एंड
आई डोंट नो कि मैं ये ब्लॉग कब एडिट कर पाऊंगी, कब अपलोड कर पाऊंगी, बट आई एम श्योर थोड़ा टाइम मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक तक ये ब्लॉग जरूर आ जाएगा. सो प्लीज़ आप अपना साथ, अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए जिस तरीके से आप मेरे ऊपर बनाए रखते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं. आई होप ये छोटा सा ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा. एंड येस, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी कि मुझे फाइनली ड्राइवर लाइसेंस एरिजोना से मिला या नहीं मिला. हम लोग कल भी जाने वाले हैं तो देखते हैं क्या होगा. एंड सो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है और अगर आप इतना सा भी मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो. और वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है बट यू नो आप मुझे इतना सारा प्यार करते हो और कितने लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं अगर मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता ही बनता है. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा. आई लव रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. तो फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, छोटे से स्वीट से ब्लॉग के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय, गुड नाइट.